सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, क्योंकि बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, डॉक्टर लाइक नहीं है, डॉक्टर लाइक नहीं है। सारे वार्ड में काम हमारे नर्सेस करते थे और सर लोग अपने जगह पे बैठ करके बस किसका क्या SpO2 है, किसका क्या सिचुएशन है, वो मोबाइल पे उनके मैसेज चला जाता था और काम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हमारे स्टाफ नर्सेस करते थे। लेकिन उस समय भी हमने सर को कुछ नहीं कहा। फिर अभी भी सर देखना तो दूर की बात है, जब मरीज मरता था ना, हम लोग कहते थे कि सर मरीज मर गया है, आप देख लीजिए इसको। कहते थे अच्छा सिस्टर आप तो कह दिए हो ना मर गया ना, तो सर हम कह रहे हैं ना, अगर इतना हमें अधिकार है कि हम कह दें कि मरीज मर गया है तो हमें सर अधिकार दे दीजिए, हम ही कर लेंगे सारा काम, फिर आप क्यों डॉक्टर हो। तो उस समय भी हमने कोविड ऐसे टाइम में सारा काम हम लोगों ने किया। और अभी भी एनेस्थेसिया को लेकर के 20 आदमी का एक ये, तो इसका मतलब ये है कि वो क्यों करना चाह रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन हर काम के लिए हमारे स्टाफ नर्सेस को लगाया जाता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक मेट्रॉन हमारी जो कि हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहलाती है, हर पोस्ट की हर पद की एक गरिमा होती है, आप किसी के भी पद को मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचा सकते हैं। हम किसी भी पोस्ट पे हैं तो हमारी गरिमा है और उनके अंडर में हम लोग 700 स्टाफ्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं कह रहा है, आप कह रहे हो आप एलिजिबल नहीं हो, हम अगर क्वेश्चन करें कि यहाँ कितने डॉक्टर्स एलिजिबल हैं, फिर क्या होगा, कितने डॉक्टर्स एलिजिबल हैं। और अगर आप हटा सकते हो तो आप हटा के दिखा दो। यहाँ जो भी काम मेट्रन का होता है वो सीनियरिटी के लेवल पे होता है और हमारी मेट्रन है वो सीनियरिटी के आधार पे है, तो इसमें एलिजिबिलिटी की तो बात ही नहीं आती है सर। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट हो, मेडिसिन डिपार्टमेंट हो, कोई का कोई HOD बन के बैठा है, कोई कहीं पे कुछ भी कर रहा है। ऐसे डॉक्टर इमरजेंसी में आते हैं जिनको ये नहीं पता है कि सेफ्टेक्सोन एम्पुल होता है या वायल होता है, उनको हम बताते हैं। बर्न के पेशेंट को कौन सा अपॉइंटमेंट लगता है वो नहीं उनको पता होता है। तो एलिजिबिलिटी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। सर ने पूछा कि मेट्रोन आपको आता क्या, वो पूछने वाले कौन होते हैं। तो हमारा बस इतना ही है और हमारे इस स्टाफ ने अगर फेवर किया है तो उसने सही किया है। हम सब अपने मेट्रन को फेवर करते हैं और इस संबंध में हम सर के अगेंस्ट है कि हम मेट्रन को फेवर करते हैं, मेट्रन के साथ है, हम इस स्टाफ के साथ है, इसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। बस हमारा इतना ही कहना है। उर्मिला सिस्टर को बुलाया गया, बुला के नरेंद्र कुमार इनको बहुत बेइज्जत किए, आपको कुछ नहीं आता है, आप तो जीरो हैं, आपको कौन मतृका बना दिया, आपको ICU का नंबर फुल फॉर्म नहीं आता, ये सब करके इनको जो है बेइज्जत कर रहा था। बेइज्जत कहते ये लड़का हमारे ब्रदर ही है, ये भी नर्सिंग में इनको भी ड्यूटी दिए थे, तो इनको इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी मतृका को इतना बेइज्जत एक डॉक्टर कर रहा। तो ये जो है अपना बोलने लगा कि आप जो है पहले का पढ़ाई मैडम पढ़ी हुई है, अब नया टेक्नोलॉजी का पढ़ाई है, दोनों का पढ़ाई अलग अलग, ऐसे मेरे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्यों बेइज्जत कर रहे हैं, इसी पर सुपरिटेंडेंट और वे दोनों मिलकर के इसको बहुत अथी डांट डपट किए और गार्ड लेकर के इसको धक्के देके बाहर निकाल दिए मेरे नर्सिंग स्टाफ को। उसके बाद जब सुपरिटेंडेंट फिर यहाँ आए तो हमको बुलाए, हमको बुलाए तो ये सब बात बोले कि आप जो बात बोले हैं रिकॉर्ड होकर के DM के पास में गया, कहे कोई बात नहीं सर हम कोई गलत बात बोली नहीं, तो नहीं वो तो करना पड़ेगा जो है सरकार से लेटर आया, ठीक है सरकार से लेटर आया तो हमको दिखाइए। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, जब तक जो है वो नरेंद्र कुमार माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। आपको परिचय, हमें सहायक मंत्रिका रेणु कुमारी ट्रेनिंग के लिए बुलाया, ट्रेनिंग के लिए रेडी है, बट कुछ इश्यूज के लिए मतृका को हमारे मेट्रोन को वहाँ पे बुलाया गया, उसी बीच उनके कुछ इश्यूज हुआ, उसी बीच मतलब 30 साल मैडम ने अपने यहाँ SPO2 में दिए हमने, वो इतना भरी मतलब 25-30 लोगों में उनको बेइज्जती किया गया, उनका मेंटल हैरासमेंट किया, उसी बीच मैंने बोल दिया मैं सर आप ऐसे मतलब हमारे मैडम को, उसी बीच मेरे को वहाँ से गार्ड बुलाया, डांटा गया कि आपको आप मातृका है, आपको कुछ बूझने नहीं आता है, समझ नहीं आता है, क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं लड़कन लोग को, हम कहिए सर लड़कन लोग ट्रेनिंग करेगा का है, करेगा ट्रेनिंग लेकिन सब सी कर लेगा, लेकिन आपका डॉक्टर प्रेजेंट रहेगा तभी काम करेगा वेंट वेंट का काम, अन्यथा अकेले नहीं करेगा। तो उस पर बोलने लगे कि उनके कुछ समझ में ही ना आता है, कौन मेट्रो बनाया है इनको, कौन ही ये बनाया, ICU का मतलब नहीं आता है,
इस पर मेरा लड़का बोला कुछ कि नर्सिंग हम आप नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट का बर्दाश्त नहीं करेंगे बेइज्जती, उस पर उनको सस्पेंड करने के लिए तैयार हो गए। किनको सस्पेंड करना है? महावीर राठौर को। ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है। और बाहर से डांट करके निकाल दिया। किसने डांट के निकाला? किसने धमकाया? धमकाया क्या करना आती एनेस्थेसिया का डॉक्टर नरेंद्र। इस मामले सुपरिटेंडेंट से बात सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट करे हैं, चुपचाप कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले हैं। उनके सामने हुई सब? हाँ, उनके सामने हुई बात। आगे क्या कुछ करेंगे? अभी अभी कुछ वही हम लोग बोले कुछ क्या कहते हैं, माफी मांगेंगे चाहे कुछ मांगेंगे, तब ये हम लोग भेजेंगे भेजेंगे तो हम यही बोले डॉक्टर तो प्रेजेंट में ही ना मेरा नर्सिंग स्टाफ काम करेगा। तो वो बोलते हैं ना कि कहाँ हम क्या काम कराएंगे, सो आप ही जानिएगा कि हम जानेंगे। अभी उनको कोविड के मद्देनजर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में प्रशिक्षण के लिए हमने कहा है, तो उनका कहना है कि हम जीएनएम है, हम जनरल ड्यूटी करेंगे, हम स्पेशलाइज प्रशिक्षण नहीं लेंगे। लेकिन हमें तो अस्पताल के सामान्य काज के साथ जो विशेष चिकित्सा कक्ष है उनको भी चलाना है, तो वो उनसे इनकार कर रहे हैं। उसी में थोड़ी बाताबाती हुई है तो वो थोड़ा बहुत अपना नाराज़ है, लेकिन उन्हें काम करना पड़ेगा। बदसलूकी की बात सामने आ रही है मैटर्न के साथ? ये सरासर झूठ है, मैं खुद वहाँ था, कोई बदसलूकी नहीं हुई है। डॉक्टर ने सही कहा है कि आपको प्रशिक्षण लेना है, ये सरकारी संस्थान है, सरकार का आदेश है। यहाँ तो किसी का न मनमानी है न किसी का तानाशाही है। सरकार के संस्थान को चलाने के लिए हम सुपरिटेंडेंट हैं, हमको जो बेहतरी अच्छा लगेगा मैं उनसे करवाऊँगा। एलिजिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, बताया जा रहा है कि उनकी एलिजिबिलिटी योग्यता पर सवाल उठाया जा रहा है। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, चूँकि वो डिग्री लेके आए हैं तो हम कौन कहने वाले हैं कि वो अयोग्य हैं। आपको दिखाता है सच का आईना।